हेलो क्रिएटिव फिल्म मेकर्स एंड एक्टर, दिस साइड अमित सिंह, आई एम एन एक्टर फिल्म मेकर, दिस इज प्रेजेंटेड बाय लेमन चिलीज फिल्म। कास्टिंग डायरेक्टर क्या आपको एक्टिंग सिखा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर की जॉब क्या होती है? सबसे पहले तो हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। और आपको क्या लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको एक्टिंग सिखा सकता है? डू यू रियली थिंक अबाउट इट? लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब एक एक्टर अपनी शुरुआत करता है एज एन एक्टर, तो उसको एक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, रिलेशन डेवलप करने पड़ते हैं, और ऑडिशंस देने पड़ते हैं लगातार। कई करेक्टर्स वो निभाता है, हर ऑडिशन में वो अलग अलग किरदार करता है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बाकायदा ट्रेनिंग लेकर निकल कर आते हैं, जैसे कि NHD, IIFT पुणे, और बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं आज के समय में, व्हिस्लिंग वुड हो गया, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, अनुपम खेर, तो बहुत सारे जो इन बड़े बड़े एक्टर्स के भी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्टर बनने की ट्रेनिंग लेकर आते हैं और एक्टर बनने के लिए लग पड़ते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोगों को काम मिलना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो जो कुछ लोग होते हैं, वो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो प्रोडक्शन में एंट्री कर देते हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर। तो उनमें से जो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग पर ही फोकस करते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं उसके अलावा कुछ और काम नहीं करूँगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्टर बनने जा रहे थे, अभी बन नहीं पाए, हो सकता है कि उनका आगे चल के प्लेटफॉर्म ये होगा कि वो एक्टर बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर बनकर रह जाते हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो जो लोग एक्टर बनना चाह रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन गए हैं क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए, तो वो लोग जो है ऑब्वियसली बात है एक्टर हैं। वो लोग एक्टिंग कर चुके होंगे कहीं ना कहीं, या फिर किसी ना किसी सीरियल में या फिल्म में कहीं ना कहीं नज़र आए होंगे। तो कहा जाए तो कास्टिंग डायरेक्टर अगर एक्टर बनना चाहता है, अगर एक्टर है वो, और पैसे कमाने के लिए अगर वो कुछ और काम कर रहा है, या जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उन सब लोगों के लिए भी एक यही सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है कि वो पैसे कैसे कमाए। तो ऐसे में जो है भैया, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए अगर वो किसी प्रोडक्शन में लगकर अगर कोई काम कर लेता है, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, या फिर कोई और कैमरे के बैक में कोई, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो उसमें काम करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। और वो लोग खुद एक एक्टर होते हैं, क्योंकि एक्टर बनने की ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पढ़ाया लिखाया जाता है वो एक अलग ट्रेनिंग है, और जो हम प्रैक्टिकल कर करके सीखते हैं फिल्म इंडस्ट्री माया नगरी में रहकर जो सीखते हैं, वो एक अलग ट्रेनिंग हो जाती है। ऐसे में हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये सीखने को मिलती हैं कि यार कोई भी एक्टिंग सिखा सकता है, लेकिन वो होना चाहिए जो वाकई में सीरियल्स करता हो, फिल्म्स करता हो, और उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। एक्टिंग कोई भी सिखा सकता है, ठीक है, लेकिन वो बंदे ने क्या क्या किया हुआ है। कास्टिंग डायरेक्टर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्टर को बगैदा करके बताते हैं कि देखो नहीं, इसका जो फील है ना वो इस तरह का है। तो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑडिशंस लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी के उन्होंने ले लिया, उसके बाद वो डायरेक्टर को दिखा देते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर को दिखाते हैं, एसोसिएटेड डायरेक्टर को दिखाते हैं। तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो यही होता है कि देखो, वो जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं अपने कास्टिंग के करियर पर, और वो किसी और चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कि एक्टिंग सिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल से और वो काम भी उस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग भी देते हैं, उन्होंने अपनी खुद की कुछ नाम से अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोल दिए होंगे। ऑब्वियसली बात है, पैसा बहुत है उन लोगों के पास, तो इसलिए खोल देते हैं क्योंकि बगैर सैलरी भी आती है उन लोगों के पास। तो इसलिए क्या होता है कि जो जिनका नाम हो जाता है, जो नाम अपना कमा लेते हैं एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, तो वो लोग बड़े लेवल पर पहुंच जाने के बाद अपना खुद का एक कुछ ना कुछ ओपन करते रहते हैं साइड में, और फिर वो लोग क्या करते हैं, किसी बाहर से फैकल्टी को लेकर आते हैं और वो लोग टैग ट्रेनिंग देते हैं। तो वो क्या होता है, बेसिकली उनके नाम पर चल रहा होता है, और ट्रेनिंग जो देने वाले होते हैं वो कोई एक्टर्स ही होते हैं जो ट्रेनिंग लेके हो चुके होते हैं एक्टर, जैसे कि NHD से पास आउट होते हैं, IIFT से होते हैं, या फिर कोई भारतीय नाट्य अकेडमी से पास आउट होते हैं, या फिर कोई थिएटर ग्रुप से होते हैं जो थिएटर कर रहे होते हैं लगातार। तो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा वहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। आज भी ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन हो जाते हैं एक्टर के नाम से,
जहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो एक्टर सिखाने नहीं आता, जैसे अनुपम खेर साहब की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर वो सिर्फ एक या दो दिन के लिए आते होंगे, वो भी मेरे ख्याल से शक्ल दिखा के थोड़ी देर के लिए बैठ के, हाय हेलो हाय गाइस मेरा चेहरा आप लोग बहुत खुश होंगे और ये वो फला ढेंका बहुत सारी बातें करके चले जाते होंगे, लेकिन वो एक्टिंग नहीं सिखाने आते होंगे क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं है। वो हो सकता है बाकी आते हो, देखिए मेरे को इतना नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप अनुपम खेर इंस्टीट्यूट से सीखे हैं तो। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक अपने सूत्रों से पता करा है, वहाँ पर वो सिखाने नहीं आते हैं, वहाँ पर सिर्फ कुछ एक आध गेस्ट लेक्चरर के रूप में वहाँ पर उनका होता है, अदरवाइज़ वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ पर सब फैकल्टी होती है, हाई क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं जो लोग वहाँ पर आके उनको सिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो लोग एक्टर बनने जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। उनके लिए सबसे बढ़िया NSD होता है, IIFT पुणे हो गया, भारतीय नाट्य अकेडमी हो गया, और बहुत सारी जितनी भी सरकारी संस्था है जहाँ पर BA आर्ट्स में कुछ आर्ट्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, यू नो साइकोलॉजी पढ़िए, ये सारी चीज़ों को पढ़िए, एक्टिंग वहाँ सीखिए जहाँ पर वाकई में उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है, थिएटर कीजिए, थिएटर करने से बहुत कुछ आता है, एक्टिंग क्लासेस करने से तो बहुत कुछ मिलेगा ही, ऑब्वियसली बात है, जो आप कई सालों में सीखते हैं वहाँ पर वो जल्दी सिखा सकते हैं। जो लोग एक्टर हैं एक्चुअली बहुत अच्छे लेवल पर आपको एक्टिंग सिखा सकता है, और जो बाकी जो बचे लोग हैं वो आपको नॉर्मल ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं, बाकी जो पूरी डीप जो नॉलेज होती है वो एक बड़े लेवल के जो एक्टर्स होते हैं वही दे सकते हैं, जो वाकई में एक्टिंग करते हैं, जो अच्छे लेवल पर काम कर चुके हैं, जिन्होंने कई सीरियल्स कर चुके हैं, फिल्म कर चुके हैं, और शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाने के बाद उनको रिलीज़ करते हैं, तो वो लोग क्या होता है, उनको पता होता है, दे नो हाउ टू एक्ट, हाउ टू एक्ट इन द फिल्म, यू नो कैसे किसी से काम निकलवाया जाता है, कैसे एक्ट किया जाता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो लोग वाकई में एक्टिंग सिखा सकते हैं। ये आपकी तर्क शक्ति होती है जो आप डिसाइड करते हैं। आप नाम पर कभी मत जाइएगा, एक बात याद रखिए, कोई भी बंदा अपने नाम के थ्रू अगर आपको बुला रहा है कि फलां का इंस्टीट्यूट है भाई बहुत बड़ा एक्टर है, तो ऐसे लोगों के नाम पर इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखिए, पता कीजिए सिखाएगा कौन, भाई साहब कौन आएगा सिखाने, हैं कौन, हम किससे सीखेंगे, हमें नाम से मतलब नहीं है भाई, हमें सीखने से मतलब है। क्योंकि जब आप ऑडिशन देने जाओगे ना, वहाँ पर ये नहीं कहोगे साहब मैंने वहाँ से सीखा है सर, और आप देखो सर मैं कितना बड़ा एक्टर बन गया, ऐसे नहीं होता यार, दिखावों से बाहर निकलना पड़ेगा आपको और एक बेहतर एक्टर बनना पड़ेगा, और वो एक्टर वही बता सकता है जो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो अपनी लाइफ में, उसने कई सारी चीज़ें देखी हों, अप डाउन देखे हों, अपनी ज़िंदगी में वो बहुत कुछ करने की चाह रखता हो। मेरे जैसे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि अपने अपने इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं बड़े बड़े लेवल पर, उन लोगों से सीखिए, क्या दिक्कत है, वहाँ पर आप सीख सकते हैं आराम से जाके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्टर होना चाहिए वो यार, वो उसको पता होना चाहिए कि सेंस क्या चीज़ होती है, एक्टिंग क्या चीज़ होती है, एक्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, व्हाट इज़ एक्टिंग, दे आर नॉट गोइंग टू मतलब टेल यू के ये चीज़ सही है, ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होता है, वो करके भी बताएं आपको, वो होता है एक्टिंग दोस्तों, समझना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि कौन कहाँ क्या कैसे कब कैसे कराएगा, वो आपके ऊपर है, समझ गए हैं, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ऐसी सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं जिससे आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगेगा जो कि बहुत ही ज़मीनी हकीकत है, और जब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप कामयाब होने की सीढ़ी नहीं पकड़ पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हमेशा एक बात याद रखिए कि कामयाब वो होता है जो कामयाबी की सीढ़ी तक पहुँचने के लिए सही रास्ता इख्तियार करता है, कामयाब वो नहीं होता जो कामयाबी तक पहुंचने के लिए कामयाब वाले बंदे को पकड़ ले, वो नहीं उठा के रखेगा आपको कि हाँ भाई मैं भी कामयाब हो गया हूँ, तू भी आजा खड़ा हो जा, मैं तेरे को आज साथ में लेके चलूँगा, कामयाब हो गए हम दोनों, ऐसा होता है कहीं? रतन टाटा, बिरला टाटा जो भी लोग हैं कामयाब हो गए हैं, वो लोग पैसा कमा लिया उन्होंने, अब आपको बोला है किसी ने रतन टाटा साहब ने कि आओ बेटा हम आपको बनाएंगे बिजनेसमैन बहुत बड़े, कभी नहीं बोलेगा कोई। तो ये आपको समझना होगा कि अपने इस एक्टिंग फील्ड के करियर में भी हमें कौन कामयाब बना सकता है, हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी ईमानदारी और हमारा लक,
जो हमें आगे तक लेकर जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।